नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर आप पंजाब को कवर नहीं करते, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे इंडिया को कवर करते हो। बात मैंने सही कही। तो हमने ये डायरेक्टोरेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चंडीगढ़ 34 सेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को चिट्ठी डाली थी ऑनलाइन, ये देख सकते हो आप, बड़ी सरल भाषा में डाली थी मैंने। मैंने कहा था कि मेरे को जीरोक्स लिस्ट चाहिए प्राथमिक उपचार, यानी कि आप सुन लीजिए, काइंडली गिव जीरोक्स लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड मेडिसिन विच कैन बी प्रोवाइडेड एज ए फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार के तौर पे जो मैंने कहीं शेंशे ड्रग्स पहन भी नहीं लिखा, मैंने लिखा प्राथमिक उपचार के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट यंत्र और दवाइयाँ की डिटेल मेरे को आप दीजिए। तो उनका जवाब आया, उसमें लिखा है कि विनयकार की प्रति बेनती आरटीआई की धारा 6-3 ट्रांसफर करते हुए लिखा जाता है कि वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सिविल सर्जन पटियाले को अपने पद्धर पे तालमेल करके प्राप्त किए, यानी कि उनके मुताबिक प्राथमिक उपचार की मेडिसिन या इक्विपमेंट उनको नहीं मालूम, डायरेक्टोरेट हेल्थ फैमिली वेलफेयर पंजाब को प्राथमिक उपचार के तौर पे देने वाली दवा या इक्विपमेंट के बारे नहीं पता। मेरे को उन्होंने सुझाव दिया आदरणीय ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने कि आप सिविल सर्जन पटियाला, यानी कि मैं पटियाला का हूँ, तो उससे पूछ लीजिए तालमेल कीजिए। मैंने ऑफलाइन चिट्ठी डाली, आरटीआई फीस भरी, इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगाए, एक कॉपी अपने ऑनरेबल विपिन शर्मा जी जो कि लीगल एडवाइज़र हैं, एडवोकेट हैं, उनको भी एक कॉपी कर दी और यही क्वेश्चन पूछा। आगे से जो जवाब आया वो आप देख सकते हो, पंजाबी में इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा है कि अपरोक्त विषय के संबंध में आप द्वारा आरटीआई एक्ट अधीन मांगी गई सूचना लिखा जाता है कि आप ये सूचना दफ्तर सिविल सर्जन पटियाला से मांग रहे हो, जबकि ये सूचना किसी अस्पताल से मांगनी बनती है, किसी अस्पताल, कहीं पे जिक्र नहीं किया कि गवर्नमेंट जिंदा अस्पताल से मांग लो या फलाना, किसी अस्पताल से मांग लो, इसीलिए ये सूचना किसी अस्पताल से मांग ली जाए। ये सूचना मतलब मेरी गलती है कि मैंने डायरेक्टोरेट हेल्थ फैमिली वेलफेयर या सिविल सर्जन पटियाला जी का टाइम वेस्ट किया और उन्होंने कहा कि किसी भी अस्पताल से मांग लो, ये हमारे से ना पूछो। ये देखिए, देखिए क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप किसी बंदे को इंडिया में नहीं रोक सकते कि अगर वो अपने व्यूज बताए, पर मैंने तो अपना व्यू दिए ही, मैंने जो दूसरे पब्लिक इंटरेस्ट में लिखी हुई चीज आपके सामने पेश, इसके बाद मैं हॉस्पिटल को भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही डालूंगा, वहाँ क्या जवाब आता है आपसे शेयर करूँगा। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।